फिलिप्स इंडिया के सहयोग से हर सांस में जिंदगी परियोजना के तहत एनीबी को इकोना क्षेत्र में बच्चों 5 वर्ष के लिए निमोनिया जागरूकता अभियान का किया गया शुभारंभ। इसका उद्देश्य विशेष रूप से छोटे बच्चों में निमोनिया के शुरुआती लक्षणों की पहचान और समय पर इलाज के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना। यह फिलिप्स इंडिया की पहल है। अभियान के तहत जागरूकता वाहन के जरिए ऑडियो विजुअल सामग्री पोस्टर और अन्य माध्यमों से जानकारी दी जा रही है। जागरूकता की कमी और अज्ञानता के कारण लोग बच्चों में निमोनिया के शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे समस्या बढ़ जाती है। सरकारी केंद्रों पर परामर्श लेने और समय पर इलाज से रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस पहल को मध्य प्रदेश की किरण जन कल्याण समिति और फिलिप्स इंडिया के सहयोग से इकोना क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। फिलिप्स इंडिया और ZMQ की इस पहल का उद्देश्य बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ पहुंच बनाना और माता पिता को समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। इसके माध्यम से निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए समुदाय में जागरूकता बढ़ाई जा रही है, ताकि हर परिवार के बच्चे को समय पर जरूरी स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सके। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां पर डॉक्टर अंकित अग्रवाल ने फीता काटकर हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को रवाना किया। यह वाहन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को बच्चों में होने वाले निमोनिया के प्रति जागरूक करेगा। इस दौरान डॉक्टर संग्राम, JP गौतम बाबूजी, सरोज सिंह, ज्योतिमा त्रिपाठी, प्रतिभा मिश्रा, मनमोहन वर्मा व आशा संघ की अध्यक्ष उमा मिश्रा आदि मौजूद रही, जिनकी मौजूदगी में बच्चों में निमोनिया अभियान हर सांस में जिंदगी वाहन, जो जागरूकता वाहन है, उसे इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से क्षेत्र में रवाना किया गया।